व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ आकिब और आप देख रहे हैं टेक्नो बॉस इंडिया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है भाई कि जो एप्पल है वो इतना पॉपुलर है थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया में भी। और एप्पल एक अकेली कंपनी है जो वर्थ $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या रीजंस है और क्यों एप्पल अभी भी इतना सक्सेसफुल है जबकि जो उनके फ़ोन जो काफ़ी महंगे हैं और बहुत लोगों ने देखा और मैं भी ये मानता हूँ कि स्पेक्स वाइज और फीचर्स वाइज वो उतना नहीं देते हैं जितना वो चार्ज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा फाइनली ऐसा क्या है एप्पल में और क्यों ये इतना ग्लोबली पॉपुलर है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न एप्पल के पॉपुलर होने का है ब्रांड वैल्यू। अब यहाँ पे जब मैं ब्रांड वैल्यू की भी बात करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो शो ऑफ सब करते हैं एप्पल है भाई या महंगी सी जीन्स या गुची का पर्स वगैरह, ऐसा नहीं। बेसिकली ब्रांड वैल्यू यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एप्पल ने जो अपना ब्रांड है वो क्रिएट किया है और ये काफ़ी सालों की मेहनत के बाद हुआ है। अभी ऐसा है कि एप्पल एक ट्रेंड सेटर बन गया है। और अगर आप ये सब नहीं मानते तो आप अगर पीछे जाके देखें तो जब एप्पल आईफोन 7 लॉन्च किया था और वहाँ पे 3.5 mm जैक हटाया था तो काफ़ी बैकलैश हुआ था उनको और क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला था कि ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा और एप्पल ने बहुत ख़राब स्टेप लिया। लेकिन हुआ क्या, आज अगर हम देखें तो मैक्सिमम फोन ऐसे हैं जो 3.5 mm जैक के साथ नहीं आते। सच कड़वा है लेकिन सच सच है। रीज़न सेम सिंपल था कि ट्रेंड जो है वो एप्पल ने स्टार्ट किया और उसके बाद सेम थिंग नॉच के साथ भी हुआ और फिर बाकी ब्रांड्स और बाकी जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं उन्होंने उसको कॉपी करना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एप्पल जो है वो एक इनोवेटिव है कंपनी और हमेशा इनोवेट करती है और बाकी जो ब्रांड्स उसको कॉपी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्पल जो है ट्रेंड सेटर माना जाता है और बहुत बार एक चीज़ें इनोवेट करती है जो बाकी कंपनीज कॉपी डेफिनेटली करती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग जब एप्पल आईफोन लेते हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि भाई साल में सिर्फ एक फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है और इस एक फ़ोन पे बहुत काम किया होगा। तो जब आप साल में एक मॉडल सिर्फ लॉन्च करती है कंपनी तो लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि शायद इस फ़ोन पे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से काम किया होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा और बहुत सही चीज़ें इसमें यूज़ की होंगी। तो वो एक और रीज़न है कि एप्पल लोग जो है वो एप्पल के ब्रांड को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद अगला रीज़न है अपडेट्स। अब यूजुअली अगर आप एंड्रॉयड लेंगे तो आपको 2 अपडेट यूजुअली मिल जाते हैं आजकल और मैक्सिमम 3 अपडेट जैसे पिक्सल में और अभी भी रिसेंटली सैमसंग ने भी अनाउंस किया है। लेकिन वहीं अगर आप आईफोन लेते हैं तो आपको 5 से 6 iterations तो मिल जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जब एक बंदा फ़ोन ख़रीदता है यूजुअली उसके दिमाग में चलता है कि अगर मैं एक 60,000, 70,000, 80,000 या 1,00,000 का फ़ोन लूँ तो जो फ़ोन है वो एटलीस्ट मैं 3 से 4 साल चलाऊँ। बहुत लोग 1-2 साल में बदल देते हैं, बहुत लोग 3-4 साल के लिए फ़ोन रखते हैं। मैक्सिमम इसमें से वो है जो 3-4 साल के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। तो वो लोग जब फ़ोन ख़रीदते हैं और तो वो लोग ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि अपडेट्स मुझे रेगुलरली मिलते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह वो सब मुझे रेगुलरली मिलेगा कि नहीं। और इस सब में एप्पल काफ़ी बढ़िया है और मतलब अपडेट्स के मामले में मतलब अभी तक हार्डली कोई ब्रांड है जो एप्पल को कम्पीट कर पाया है। एक और रीज़न है एप्पल इकोसिस्टम का। अब आप में से जिनको एप्पल इकोसिस्टम के बारे में पता नहीं है मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्पल इकोसिस्टम पे एक पूरा वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन काफ़ी लंबा टॉपिक और इस वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली एप्पल इकोसिस्टम ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेज है तो एक डिवाइस जो है वो दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है, इस मामले में एप्पल बहुत सही है। मतलब एप्पल इकोसिस्टम एक पिनाकल है कि कैसे एक डिवाइस को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत बार आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फ़ोन पे कुछ यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप ईमेल लिख रहे थे और आप आधा ईमेल लिख के लिखने के बाद अपने जो है लैपटॉप पे जाते हैं और वहाँ से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एप्पल इकोसिस्टम की बहुत बढ़िया है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो एप्पल इकोसिस्टम की वजह से आईफोन ही लेना चाहते हैं। फिर एक और रीज़न है ऐप एक्सपीरियंस का। अब आप में से जिन लोगों ने आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूज़ किया होगा उन्होंने देखा होगा कि कुछ ऐप जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ले लो वो एप्पल पे ज़्यादा बेटर चलती है। और ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये सच में है भी, ये मैंने भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है। अगर आप इंस्टाग्राम का कैमरा खोलोगे आईफोन में और वहीं कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में तो आप देखोगे कि जो इंस्टाग्राम का इनबिल्ट कैमरा ऐप है वो आईफोन की बेटर है। क्योंकि रीज़न सिंपल है कि जब इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कोई भी नेटिव कोई भी ऐप जो है ऐप बनाती है
तो वो एक साइड से iOS के लिए बनाती है, एक साइड से Android के लिए बनाती है, लेकिन iOS के लिए उनको सिर्फ एक ही फ़ोन एक ही मॉडल में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, या दो तीन सिर्फ स्क्रीन किसी का साइज़ का, किसी का बड़ा आ गया किसी का छोटा आ गया, उतना ही सिर्फ देखना पड़ता है। लेकिन जब वही ऐप कंपनी Android के लिए बनाती है तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, मतलब लाखों में शायद फ़ोन्स होंगे, तो वो हर किसी के लिए एक अलग इटरेशन नहीं बना सकती। सपोज सैमसंग के लिए चलो 5.8 स्क्रीन उसके लिए अलग बना दिया, LG के लिए थोड़ा उनका इंटरफेस डिफरेंट है उनके लिए अलग बना दिया, OnePlus का थोड़ा डिफरेंट उनके अलग बनाता है। तो वहाँ पे क्या करती है यूजुअली कंपनीज, वो एक बेसिक लेआउट दे देती है और हर एक जो कंपनी उसी पे चलता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, इसीलिए जो Instagram या कोई भी नेटिव ऐप है अगर आप वो एंड्रॉयड में चलाएंगे वो उतना अच्छा, उतना एक कोर एक्सपीरियंस नहीं देगा जो आपको आईफोन में मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे वो एक डिफ़ॉल्ट लेआउट देती है और यहाँ पे वो एक कंप्लीट एक प्रॉपर दिमाग लगा के और प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ हर आईफोन के मॉडल के लिए ऐप को डिज़ाइन करती है, तभी आपका जो ऐप एक्सपीरियंस है वो आईफोन वगैरह पे बेटर होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी काफ़ी बड़ा फीचर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो एंड्रॉयड उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, है, लेकिन अभी भी एप्पल जितना नहीं है। अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह मैक्सिमम देखिए तो वो आईफोन ही यूज़ करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम करते हैं, क्योंकि जो इस एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी सही है। बहुत सारे अगर उनका ऐप स्टोर देखे एप्पल का, वहाँ पे जो ऐप से काफ़ी उनको टफ फेस से गुजरना पड़ता है, जब एक ऐप आती है उसके बाद उसको इंटीग्रेट होने के लिए जो एप्पल के ऐप स्टोर है उसमें आने के लिए काफ़ी टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वहीं जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे भी होता है, लेकिन उतना सीवियरली नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे वो सही नहीं है, वो आपका डेटा चोरी कर देती है, लेकिन मोस्टली एप्पल के जो ऐप स्टोर पे है वैसा नहीं है। और फाइनली ये सब मिला के अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने देखा होगा कि अगर आप आईफोन 11 की सेल्स देखें इस साल की, तो 2020 के स्टार्टिंग क्वार्टर में 19.5 मिलियन आईफोन बिके हैं। तो 19.5 मिलियन सिर्फ पहले क्वार्टर में, और वो भी तब जब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है कंपेयर टू जो कोई भी मिड रेंज या टॉप एंड फोन्स में है, और प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग एप्पल प्रेफर करते हैं। तो इससे समझ आता है कि लोग एप्पल को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, और एप्पल का बेसिक फंडा इस वक्त ये रहा है, जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले उस सबको कंक्लूड करके मैं बताऊंगा कि वो लोगों ने, उन लोगों को समझ आ गया है कि भाई शायद नए लोग हमारे महंगे फ़ोन ना लें, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में है वो तो आईफोन लेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, आप अपने दोस्तों में देख लीजिए या आसपास देख लीजिए कि जो अगर आईफोन यूज़ कर चुके हैं तो वो वापस एंड्रॉयड पे स्विच होते हैं। इक्का दुक्का शायद परसेंटेज होगी भी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आईफोन ही यूज़ करते हैं और इसी को अपग्रेड करते हैं। तो एप्पल को तो पता कि ये लोग का जो एक नीश है वो रहेगा ही रहेगा, और बाहर से नए लोगों को एप्पल में लाने के लिए हमें फ़ोन्स की प्राइस सस्ती करनी पड़ेगी, इसलिए वो लोग आईफोन 11 या आईफोन XR और अभी आईफोन SE भी मार्केट में दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उन लोगों को खींच सके उस प्राइस में एप्पल इकोसिस्टम में और वो फाइनली एप्पल को एक्सपीरियंस कर सके, तो शायद वो आगे जाके एप्पल के साथ ही रहेंगे। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों एप्पल इतना पॉपुलर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, और अगर आपने एप्पल आईफोन कभी यूज़ किया है तो क्या आपने एंड्रॉयड पे मूव किया है कि नहीं, या आपने सिर्फ अभी भी आप एप्पल पे ही है। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।